गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो मैं आज यहाँ इस हालत में क्यों बैठी हूँ आप सोच रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि अभी मुझे ना एक प्रोडक्ट का रिव्यू करना है और वो प्रोडक्ट आज मैं खुद फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ। एंड कैसा मेरे पे सूट करेगा या नहीं, वो मुझे डर भी लग रहा है इसको यूज करने में, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा यूज नहीं की हूँ इसको, या इस टाइप की कोई भी चीज को मैं यूज नहीं की हूँ। तो आज फर्स्ट टाइम यूज करने जा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा लग रहा है कि कहीं सब ठीक रहे, बस मेरे साथ मेरे बालों को कुछ ना हो। तो गाइज जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू मैं करने वाली हूँ वो है ये गार्नियर का ब्लैक नेचुरल, ये हेयर कलर है, ये डीप ब्लैक है, 1.0 इसका सेट का नंबर है और ये मुझे मिला है 42 रुपीज का। एंड ये फर्स्ट टाइम मैं यूज करूँ, मैं हमेशा ना मेहंदी यूज करती हूँ, कभी भी हेयर कलर वगैरह यूज नहीं किया, बट अचानक से आज मुझे करना पड़ रहा है। अभी शाम हो चुका है इसलिए मैं अपने ना बालकनी में बैठी हूँ एंड पीछे साउंड भी आ रहा होगा क्योंकि काम चल रहा है उधर। तो मैं स्कूल आज गई थी एंड स्कूल से आते ही मुझे पता चला कि हमें जाना है बनारस, और बनारस जाना है तो मेरे जो बालों का हाल है वो बहुत खराब हो चुका है। कुछ टाइम पहले मैंने होली के टाइम में शॉर्ट वीडियो डाला था कि मैं गई थी अपने बालों का रूट टचअप के लिए, तो उन्होंने बोला था कि रूट से फिर जो बाल आएंगे वो ग्रे ही आएंगे, तो आ चुके हैं। एंड ज्यादातर जो है ना, जो ज्यादातर ग्रे हेयर होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा दिखने जो लगते हैं वो यहाँ के होते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा फेस वॉश वगैरह या साबुन सोप वगैरह यूज करते हैं ना, तो ये जो है ना ज्यादा मतलब कलर इसे जल्दी हटता है। तो वही हुआ है मेरे साथ एंड बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है देखने से। तो मैं सोची कि अब घूमने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वैसे लेकर तो जाएंगे नहीं, तो अगर जल्दी के लिए अगर आपको कहीं निकलना है बहुत जल्दी में हो, या आपको अचानक से पता चला कि आपको निकलना है, आपके पास मात्र 20 मिनट टाइम है, तो आप इसको यूज कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि इसमें लिखा है कि ये 15 मिनट लेगा सिर्फ आपके और आपके बालों का मतलब कलर जो है वो जो भी कलर आपको चाहिए वो मिल जाएगा। एंड हाँ, इसका बहुत सारा शेड आता है, मतलब बहुत सारा कलर मिल जाएगा आपको, बरगंडी, रेड एंड मुझे पता नहीं, मैंने तो ब्लैक लिया है बट इतना पता है कि बरगंडी आएगा, तो ब्राउन भी मिल जाएगा आपको। तो मैंने लिया है ब्लैक क्योंकि मैंने जो रूट टचअप करवाया था वो ब्लैक करवाया था, तो इसीलिए मुझे ब्लैक ही लेना पड़ा। अदरवाइज मैं पहले जो है वो मेहंदी यूज करती थी तो वो ब्राउन या बरगंडी कलर का दिखता था ऐसा। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे बाल जो है ना वो ब्लैक हो चुके हैं। ओके, तो इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, देखते हैं यूज करके मैं आपके साथ इसके इसको यूज कैसे करना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी एंड उसके बाद इसका रिजल्ट जो होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है नो अमोनिया है, अमोनिया नहीं है इसमें, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड इसमें जो है लिखा है कि 5x शाइनी एंड सॉफ्ट हेयर प्रोवाइड करेगा आपको एंड 100% ग्रे कवरेज, मतलब आपके जो भी ग्रे हेयर है वो उसको 100% ये कवरेज देगा, मतलब पूरा उसको ब्लैक कर देगा। एंड इसमें है आलमंड ऑयल प्लस ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट, और इसको यूज कैसे करना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको यूज कैसे करना है, इसको कोई भी मेटल के बाउल में यूज नहीं करना है, इसमें इसको हमेशा आप चाहो मतलब प्लास्टिक के अगर आपके पास बाउल हो तो प्लास्टिक का बाउल यूज करो इसको अप्लाई करने के लिए। तो मेरे पास ये प्लास्टिक का बाउल मिला मुझे तो मैं बस इसको ले आई हूँ। एंड हाँ, ब्रश की अगर बात करूँ तो मेरे पास सच बताऊँ ब्रश नहीं है, तो मेरे पास ये टूथ ब्रश है, तो इसी को मैं यूज कर रही हूँ आजकल, ये जुगाड़ है हमारा तो इसी को यूज करेंगे। देखो मैंने पहले भी कलर किया हुआ है इससे तो दिख रहा होगा। ओके, एंड इसको यूज कैसे करना है, इसमें आपको ना 2 पैकेट मिलेगा, तो मैंने इसको ओपन भी नहीं किया, तो चलो पहले ओपन करते हैं इसको, लेट्स ओपन। ओके, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा ये 2 पाउच, ये है डेवलपर एंड ये है कलरेंट, एंड जो है आपको दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेना है बाउल में। एंड यहाँ पे ये मिल जाएगा पेपर जिसमें आपको सब लिखा हुआ है कि आपको कैसे यूज करना है, इस्तेमाल के लिए निर्देश लिखा हुआ है सारा, और हर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा इतना सारा लैंग्वेज देखो अलग अलग तरह के लैंग्वेज पूरा इसमें लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो
लेट्स ट्राई इट कि कैसा है ये मेरे बालों पे, क्या होने वाला है। ओके तो चलो इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे कट का साइन दिया हुआ है। ओके तो इसको कट कर लेते हैं, जैसा इसमें जहाँ पे भी सीजर का साइन है तो कट कर लिया। एंड इक्वल अमाउंट में मुझे सिर्फ रूट में ही यूज करना है, तो मुझे नहीं लगता कि पूरा अमाउंट, देखो कैसा है ये, बिल्कुल ऑयल की तरह। ओके पहले इतना ही अप्लाई करके देखते हैं। मुझे पता नहीं क्यों बहुत टेंशन हो रहा है, फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ ना, मुझे यूज करना भी नहीं आता, इसलिए मैंने, देखते हैं। ओके अब इसको कट कर लेते हैं एंड देखते हैं। ये ऐसा व्हाइट कलर का शैम्पू टाइप का है। ओके तो इक्वल अमाउंट मैंने दोनों को ले लिया है, मैं दिखाती हूँ आपको, ज्यादा नहीं लिया है ये देखो। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत थोड़ा सा लिया है क्योंकि मैंने सुना कि फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो अब पूरे बालों को खराब ना करें, अगर खराब होना ही है तो थोड़ा सा क्यों ना लेकर यूज करके पहले देखते हैं। कि मेरा जब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ ये साइड का जो है ना, यही और कुछ नहीं। तो ये देखो इसको मात्र 15 मिनट रखना है और उसके बाद हेयर को वॉश कर लेना है। ओके एंड हाँ, इसको अप्लाई करने से पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा ले ताकि बालों को कलर करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके फ्रेंड्स अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखो बस मेरे फिंगर पे थोड़ा सा लग गया, ये देखो अभी से ये इतना ब्लैक हो गया है। अभी मैं इसको धीरे धीरे से, कलर डार्क हो रहा है, बहुत कम लिया है मैंने, डर से सिर्फ मैंने इतना कम लिया है। अगर अच्छा रहा तो यूज करेंगे, बट ज्यादा कलर बालों में यूज नहीं करना चाहिए, मैं भी उतना नहीं करती हूँ। अगर ग्रे हो रहे हैं तो होने हैं तो क्या फर्क पड़ता है, बट हाँ जब कहीं जाना हो तो एम्बेरस फील होता है ना, तो कर लेते हैं। एंड इसमें लिखा है कि आप पैच टेस्ट जरूर करें इसको अप्लाई करने से पहले, अपने कानों के पीछे अप्लाई करके देखें, 2 घंटे तक रखें। अगर आपको कोई इरिटेशन होता है तो आप इसको यूज ना करें, अगर सब परफेक्ट है तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो। एंड हाँ ग्लव्स भी पहनने को कहा गया है, बट आई डोंट हैव ग्लव्स, मेरे पास ग्लव्स नहीं है, तो मैं ऐसे ही यूज करने वाली हूँ हाथों को बचा कर। ओके तो इसमें अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है एंड चलो करते हैं वो अप्लाई। ओके तो कुछ देखते हैं, यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है एंड मोबाइल से तो बिल्कुल ही होने वाला, तो मेरे पास है ये मेरा, ये देखो मैं इसमें से देख कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। मैं कोशिश यही करूंगी कि मेरे स्किन में ना लगे बस। मैं मिलती हूँ आपसे अप्लाई करने के बाद, जब मैं पूरा अप्लाई कर लूंगी ना उसके बाद। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये देखो मेरे मतलब उतना कम ये बनाया था इसका पेस्ट, और पूरे मतलब मेरे हेयर में ना ये अप्लाई हो गया है एंड बहुत सारा अभी भी मतलब आधा बचा हुआ है, आधा मैंने यूज किया एंड आधा भी है। समझ में नहीं आ रहा कि इसको रखें कैसे, एंड ओपन रखेंगे तो क्या होगा इसके साथ, कुछ आइडिया नहीं है, बट देखते हैं। बट हाँ ग्लव्स पहनना ही पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये देखो मेरे हाथों को कितना गंदा हो चुका है एंड छूटेगा भी या नहीं है कुछ पता नहीं है मुझे, देखते हैं। ओके तो अब मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर वॉश, ये 15 मिनट के बाद मैं वॉश कर लूंगी एंड उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या इसका रिजल्ट क्या रहा। ओके ओके फ्रेंड्स, तो 15 मिनट हो चुके हैं एंड मैं जा रही हूँ उसको वॉश करके आती हूँ एंड फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कलर कैसा चढ़ा है। अभी से देख रहे हो इतना ब्लैक। ओके आती हूँ एंड उसका कलर कैसा गंदा सा लग रहा है ना, क्योंकि आई हूँ एंड बहुत थकी हुई और कुछ भी नहीं किया, रेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया एंड काम में लगी हुई हूँ जब से आई हूँ। कपड़ा धोया है सारा, छत पर सारी हूँ एंड जाऊँगी भी छत पर कपड़ा लाने वगैरह, तो चलो पहले बाल धोकर आते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली मैंने हेयर वॉश कर लिया है एंड मैं अगर इसके मतलब बताऊं कि इसका रिजल्ट कैसा है तो अच्छा है, मतलब ब्लैक हो गया
मगर मैंने जो है वो शैम्पू नहीं किया, जिसके कारण ये देखो पूरा ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा यहाँ ये सब। तो अगर मैंने अच्छे से शैम्पू वगैरह लगाया होता तो शायद ये कलर चला जाता, बट अभी तो है एंड लगता है मैंने अच्छे से कलर नहीं किया शायद, इसके कारण हल्का हल्का इधर साइड में ना वाइट वाइट रह गया, मतलब ग्रे हेयर मेरे रह गए, तो इसका अफसोस है। कोई नहीं, अब जाने दो, मुझे इतना फर्क पड़ता भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं जल्दीबाजी में निकलना है तो ये जो गार्नियर का हेयर कलर है वो बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। हाँ, मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप इसको मतलब कहीं भी जाना हो अगर मतलब जल्दी में हो तो आप इसको ज़रूर यूज़ करो। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो बस यही तक थी। तो कैसा लगा मेरा ये प्रोडक्ट रिव्यू कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको इसका रिजल्ट भी दिखा दिया है कि देखो हो गया है, अंदर में जो है ये स्किन में मेरा जो लग गया है ना, जिसके कारण मुझे बहुत बेकार लग रहा है ये इस तरीके से, ये देखो ये, और कहीं कहीं भी छूट गया है, तो बस इसके कारण ही मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको यूज़ करो। बट हाँ, यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना इसको, एक दो बार मंथ में बहुत हो गया। ओके, तो चलो मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एंड हाँ, मैं बनारस जा रही हूँ तो वहाँ का ब्लॉग भी आने वाला है, तो वीडियो में मतलब मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिएगा एंड बनारस का ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, क्योंकि मैं जा रही हूँ अब पैकिंग करने, तो इसका मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी, तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।